नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर, जहां पर अपहरण कर गैंग रेप करने वाले आरोपी रिहा होते ही पीड़ितों के परिवार को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिनके आरोप में पीड़ितों ने डीआईजी के पास और एसपी के पास पहुंचकर ज्ञापन के द्वारा अपनी मांग को रखा और अपनी सुरक्षा की भी बात उनसे कही। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार 4 साल पहले अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था, जिन्हें लेकिन जेल से निकलते ही आरोपी दहशत फैलाने लगे हैं। आरोपियों से घबराकर पीड़ित परिवार ने गांव छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बनाया है, लेकिन वहां भी धमकियां उन्हें बराबर से मिल रही हैं। पीड़ित पक्ष ने डीआईजी और एसपी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग रखी। आपको बता दें, यह घटना हरपालपुर के कपास मिल में रहने वाले दिनेश रैकवार ने डीआईजी और एसपी को आवेदन देते हुए बताया कि 29 मार्च 2014 को नजर मुसलमान, संतोष राय नफीस मुसलमान निवासी मऊरानीपुर, अयूब मुसलमान, रवि नाई निवासी हरपालपुर तथा देवेंद्र सिंह ठाकुर निवासी सौरा ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गैंगरेप किया था। अपहरण कर सामूहिक दुराचार करने की थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन जमानत से आने के बाद आरोपी राजीनामा के लिए दबाव बना रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कानून से घबराए आरोपी राजीनामा कराने के लिए दबाव लगातार बना रहे हैं और राजीनामा ना करने पर जान से मारने की धमकी पीड़िता के परिवार को दी जा रही है। पीड़ित के बच्चे डर के मारे स्कूल जाने से घबराते हैं। वहीं 3 महीने पहले उसने आरोपियों के भय के कारण गांव छोड़ दिया था। एएसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी से तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत किया था, पकड़ के भी ले गए थे। जैसे अब जैसे मेरा अदालत में केस चल रहा है, अदालत से 4 साल हो गए चलते चलते। इन्होंने पहले बीच में भी धमकी दी है, मैंने पहले यहाँ सुनाई है डीएफसी ऑफिस में, तो इन्हें थोड़ी कार्रवाई हुई थी, दब गए थे जी। फिर भी बराबर धमकी दे रहा है कि कट्टा लगा के आ जाते हैं, तलवार ले लेके आ जाते हैं, काम धंधा नहीं करने देते हैं और मारपीट भी ज़्यादा धमकी देते हैं। मेरी लड़की की शादी के लिए भी धमकी दे रहा है कि लड़की की तो शादी नहीं कर पाएगी। 6 है साहब। हाँ, कौन कौन? अयूब है और ये है। कौन घर की निगरानी रखता है? अयूब ज़्यादा रखता है साहब। क्या चाहती हूँ? ये चाहते हैं कि साहब जो मेरे साथ हुआ, तो मैं तो कह रहा हूँ आप इसके बाद पहले मेरी जांच कर लो। मैं अगर झूठ बोलती तो पहले आप जांच क्यों पर करो? वहीं जिले भर के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आए दिन घटनाएं सामने आती रहती हैं। कितना सजग है पुलिस प्रशासन, यह देखने में सामने आएगा कि इस घटना से क्या रूबरू होती है पुलिस। चलिए, इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं अननोन खबरों के साथ, बने रहे पेप्टिक टाइम पर। शिक्षा को मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल, वेयर यू कैन फाइंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ फार फ्रॉम रस्सी एंड पॉल्यूटेड एरिया, पीसफुल एनवायरनमेंट, स्पेसियस क्लासरूम्स, मॉडर्न एंड लार्ज लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड अदर एक्टिविटीज क्लासेस। प्रवेश के लिए संपर्क करें काली देवी मंदिर तिराहा, महोबा रोड, छतरपुर, सिटी ब्रांच, राजमहल परिसर, छतरपुर।